लास्ट लेक्चर में हमने देखा था 12th स्टैंडर्ड के लिए हम स्टडी कर रहे हैं हमारा 9th चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो हमने लास्ट टाइम देखा था किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, ठीक है, तो उसी को हम पहले रिवाइज कर लेते हैं ताकि आगे का हमारे लिए इजी हो जाए। द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट्स एट द जंक्शन इज जीरो इन एन इलेक्ट्रिक नेटवर्क, ठीक है। अलजेब्रिक सम ऑफ करंट मतलब समेशन ऑफ आई विल बी इक्वल टू जीरो एट जंक्शन, मतलब जहां तीन मतलब मोर देन टू कंडक्टर जब हम कनेक्ट करते हैं जंक्शन पे तो उनका समेशन ऑफ करंट जो है वो ऑलवेज जीरो होता है जंक्शन पे। और उसके साथ में हमने ये भी स्टडी किया था साइन कन्वेंशन, ठीक है, करंट्स अराइविंग एट द जंक्शन आर पॉजिटिव, करंट्स अराइविंग द जंक्शन मतलब जंक्शन की तरफ जो आ रहे हैं या फिर जंक्शन की तरफ जो भी आते हैं वो हमने पॉजिटिव किया था साइन कन्वेंशन उनका। उसके बाद में करंट लीविंग द जंक्शन आर नेगेटिव, ठीक है, जो करंट दूर जा रहे हैं कंडक्टर करंट्स जंक्शन छोड़ के जाते हैं या फिर पास हो चुके हैं जंक्शन में से दे आर कंसिडर्ड एज नेगेटिव, ये हमने देखा था पिछली बार। तो यही हम सिंपली रिवाइज करते हैं, तो है ना करंट रूल भी कहते हैं, ठीक है, किरचॉफ्स करंट रूल, ठीक है। अगला है दोस्तों हमारा किरचॉफ्स वोल्टेज रूल, ये किरचॉफ्स का सेकेंड रूल है, सेकेंड रूल ऑफ किरचॉफ्स। तो इसके अंदर क्या होने वाला है, द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस, मतलब क्या पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या, सिंपली हमारा वोल्टेज, द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस एंड द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस इन अ क्लोज लूप इज जीरो। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पे मैं इसको अंडरलाइन कर देती हूँ, क्लोज लूप, जब आपका लूप क्लोज होगा सर्किट क्लोज होगा तभी ये पॉसिबल होगा कि अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस मतलब समेशन ऑफ आई आर या फिर आप कह सकते हो समेशन ऑफ डेल्टा वी, ठीक है, सेम ही आएगा ना, डेल्टा वी इज इक्वल टू व्हाट आई आर, आई मीन्स योर करंट, आर इज योर रेजिस्टेंस, ठीक है, एंड ये क्या है समेशन ऑफ ई एम एफ, ये जो है ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है आपका ई एम एफ, ई एम एफ मतलब आपका बैटरी का जो वोल्टेज दिया होता है 10 वोल्ट 12 वोल्ट, तो दैट इज द ई एम एफ ऑफ योर बैटरी। तो उसका भी समेशन अगर आप करेंगे इन अ क्लोज लूप तो क्या आएगा, जीरो आएगा। तो इसके लिए जैसे हमने पहले लॉ में देखा था कि करंट हम पॉजिटिव और निगेटिव कंसिडर करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर डिरेक्शन, ठीक है, उनकी जैसे डिरेक्शन होती है वो जंक्शन की तरफ आती है उनको हम पॉजिटिव करते हैं, जंक्शन से दूर जाती है उनको निगेटिव कंसिडर करते हैं। तो वही हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि अलजेब्रिक सम में वोल्टेज वी, ये जो डेल्टा वी है, तो ये जब हमारे रेजिस्टर्स में से पास होते हैं तो उसका भी हमको देखना है साइन कन्वेंशन के साथ में। अब ये आपके बुक का ही एक पार्ट मैंने लिया है यहाँ पे साइन कन्वेंशन, व्हाइल ट्रेसिंग अ लूप थ्रू अ रेजिस्टर इफ वी आर ट्रैवलिंग अलोंग द डिरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर इज कंसिडर्ड निगेटिव, ठीक है। अभी क्या होता है, अगर आपके सर्किट में रेजिस्टर है, सपोज ये आपका रेजिस्टर आर है और करंट का जो डिरेक्शन है, ठीक है, आई इज योर करंट, तो करंट जब ट्रैवल करता है आपका तो करंट कैसे ट्रैवल करेगा, हायर टू लोअर ट्रैवल करेगा, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव तक ट्रैवल करता है आपका करंट, तो ये हायर से निगेटिव हायर से लेके लोअर तक ट्रैवल करेगा। इसलिए जब आप क्या करते हो लूप का डायरेक्शन मतलब आपके लूप का जो ट्रेसिंग है, लूप किस लिए, लूप की डायरेक्शन इसलिए कि हमारा वर्ड डन हम गिनते हैं, तो किससे गिनेंगे हम हमारा वर्ड डन विद हेल्प ऑफ लूप डायरेक्शन, तो हमारा लूप इधर से भी ट्रैवल कर सकता है या फिर इधर से भी ट्रैवल कर सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या क्या है, ट्रेसिंग अ लूप थ्रू अ रजिस्टर इफ वी आर ट्रैवलिंग अलोंग द डिरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, मतलब करंट जैसे ट्रैवल कर रहा है उसके साथ ही अगर हम ट्रैवल करेंगे, ठीक है, करंट की डिरेक्शन के साथ में ही हमको ट्रैवल करना है, मतलब करंट अगर इस तरफ जा रहा है तो हमारा लूप का डिरेक्शन भी इसी तरफ होगा, ठीक है। तो हम जब यहाँ से ट्रैवल करते हैं तो इट शुड बी कंसिडर्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर कंसिडर्ड निगेटिव, मतलब ये जो यहाँ का डेल्टा वी आएगा ये हो जाएगा निगेटिव,
क्योंकि ये देखो हमारा वोल्टेज ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है यहाँ पे, हायर से लोअर जा रहे हैं, ठीक है। ये हमारा हायर से लोअर जब हम जाते हैं तब हमारा क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा इसलिए हम इसको कंसिडर करेंगे निगेटिव। अगला पॉइंट देखते हैं, इफ द लूप इज ट्रेस्ड अगेंस्ट द डिरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर इज कंसिडर्ड पॉजिटिव, ठीक है। अभी यहाँ पे सिमिलर है, सिमिलर डायग्राम के साथ में मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको। ये आपका रेजिस्टर, दिस इज योर रेजिस्टर आर, I is your direction of current। ये देखो ये higher, ये lower है आपके resistor का। तो जब current की direction के opposite direction में हम loop trace करते हैं, loop का direction कब है हमारा, opposite to the direction of current। देखिए current की direction कैसी है और हमारी loop की direction हम trace करने वाले हैं इस तरह से, तो क्या होगा हमारा, lower से लेकर higher तक हम travel कर रहे हैं। देखिए lower से लेकर लोअर टू हायर में हमारा पोटेंशियल गेन होगा, तो पोटेंशियल गेन के लिए हम क्या करेंगे, वोल्टेज या फिर पोटेंशियल क्या करेंगे हम, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर क्या होगा हमारा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए पोटेंशियल गेन हो रहा है हमारा, बढ़ रहा है इसलिए पॉजिटिव। यहाँ पे क्या हो रहा था, हायर टू लोअर हम जा रहे थे, तो क्या हो रहा है हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस घट रहा है इसलिए निगेटिव, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको सबको। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। वे अगला पॉइंट है इसमें, द ईएमएफ ऑफ एन इलेक्ट्रिक सोर्स इज पॉजिटिव व्हाइल ट्रेसिंग द लूप विद इन द सोर्स फ्रॉम द निगेटिव टर्मिनल ऑफ सोर्स टू इट्स पॉजिटिव टर्मिनल। अभी यहाँ पर क्या है कि जब आप लूप ट्रेस करते हैं, यहाँ पे देखिए इस डायग्राम की तरफ मत देखिए आप, पहले इधर देखना। जब यहाँ पे क्या दिया है कि इलेक्ट्रिक सोर्स, तो इलेक्ट्रिक सोर्स क्या है, विद ईएमएफ है, समझो इसका ईएमएफ दिया है हमको कुछ 10 वोल्ट या फिर 12 वोल्ट, जो भी आपको वैल्यू दी जाती है। तो ये वैल्यू जो होती है बैटरी की, तो ये ईएमएफ बताता है बैटरी का। तो ये क्या है, ईएमएफ ऑफ सोर्स का हम पॉजिटिव कब कंसिडर करेंगे, जब हम ट्रू लूप ट्रेस कर रहे हैं विद द सोर्स फ्रॉम निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब जब निगेटिव से पॉजिटिव तक वो ट्रेवल करेगा। ये देखिए यहाँ पे जब वो निगेटिव से लेके पॉजिटिव तक जब ट्रेवल करेगा तब हम उसको कंसिडर करेंगे। देखिए यहाँ पे मैं ऐसे छोटे से कनेक्ट कर देती हूँ उसको रेजिस्टर से, मतलब आपको वो सर्किट वाला फील आएगा। यहाँ पे आपकी बुक की डायग्राम है ये, इसके अंदर डिरेक्शन जो है वो निगेटिव वाला डिरेक्शन इंडिकेट करने के लिए बताया है। ये देखिए ओके, जब ये निगेटिव से लेके पॉजिटिव तक ट्रेवल करेगा लूप का डिरेक्शन, देन क्या होगा, ईएमएफ इसका हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। ईएमएफ विल बी पॉजिटिव कब, जब ये निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हम लूप ट्रेस करेंगे तब, ठीक है। पॉजिटिव निगेटिव से पॉजिटिव लेंगे तभी क्यों आया, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगेन क्या हो रहा है, हम लोअर से, अभी निगेटिव है मतलब क्या है, यहाँ पे लोअर है, ठीक है। लोअर से कहाँ जा रहे हैं हम, हायर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो लोअर से हायर की तरफ हम जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, ईएमएफ जो है वो गेन होगा, ठीक है। तो हमारा पोटेंशियल, पोटेंशियल भी गेन होगा। यहाँ पे देखिए पोटेंशियल भी गेन होगा, अल्सो गेन। तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन जब ये डायरेक्शन हम रिवर्स करते हैं, देखिए जब ये डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, मतलब आपकी करंट की डायरेक्शन में ही जब आपका ईएमएफ है ना, ईएमएफ आप पॉजिटिव का निगेटिव कब कंसिडर करेंगे। ये देखिए लूप की डायरेक्शन कैसी हो रही है, पॉजिटिव से लेकर निगेटिव तक वो ट्रैवल कर रहा है, मतलब हायर टू लोअर ट्रैवल कर रहा है, ओके।
तो हायर टू लोअर डायवर्ट कर रहे हैं, उसकी वजह से क्या होगा आपका ईएमएफ ड्रॉप होगा। तो ड्रॉप होने की वजह से उसको हम कंसीडर करेंगे नेगेटिव, ठीक है। ईएमएफ जैसे ही ड्रॉप होगा हम उसको कंसीडर कर लेंगे नेगेटिव। तो यही डायरेक्शन यहाँ पे दिया है, ये देखिए यहाँ पे बैटरी के पॉजिटिव पोल से निगेटिव पोल तक उसको ट्रेस किया है। लूप देखो, लूप का डायरेक्शन कैसे बताया गया है, पॉजिटिव से निगेटिव तक उसको ट्रेस किया हुआ है। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या होगा, इसको हम निगेटिव कंसिडर करेंगे, ओके। ईएमएफ आपका हो जाएगा निगेटिव। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, हाउ टू अप्लाई किरचॉफ्स लॉ। इसके ऊपर सारे एग्जाम्पल आते हैं, मतलब जैसे ही आपको समझ में आने लगा कि किरचॉफ्स लॉ अप्लाई कैसे करने हैं, उस वक्त आप समझ लोगे कि न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करने हैं, ठीक है। ये सिर्फ हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, जब तक कि हम न्यूमेरिकल स्टार्ट नहीं करेंगे ओरिजिनल में आपको समझना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं। द अल्जेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस अराउंड अ क्लोज लूप इज जीरो, ठीक है। ये फिर से वही स्टेटमेंट है लेकिन घुमा के बोला गया है इसको। द अल्जेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल मतलब समेशन ऑफ डेल्टा वी, ठीक है, समेशन ऑफ डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो व्हेन लूप इज क्लोज। ये देखिए यहाँ पे क्लोज लूप, ये अलग बुक से डेफिनेशन है, लेकिन अलग बुक से डेफिनेशन होने के बावजूद भी देखिए यहाँ पे वर्डिंग क्लोज लूप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो शब्द भूलना नहीं है आपको डेफिनेशन लिखते वक्त या फिर स्टेटमेंट लिखते वक्त, ठीक है। डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो। अब इस पॉइंट को ध्यान से देखिए दोस्तों, इफ पोटेंशियल ड्रॉप कंसिडर्ड इट इज कंसिडर्ड टू बी निगेटिव, मतलब जब आपका पोटेंशियल ड्रॉप होता है, अभी पोटेंशियल ड्रॉप कब कब होगा आपका, जब हमने देखा पीछे, तो इसके अंदर पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप मतलब अलग अलग चीजों को आपको एक साथ में रिलेट करना है। इसके अंदर आपका करंट का डायरेक्शन भी आएगा, आपका ईएमएफ भी आएगा, आपका वोल्टेज रेजिस्टेंस सब आपको कंसिडर करना पड़ता है साइन कन्वेंशन में। तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या है, तो पहला पॉइंट हम देख लेते हैं कि यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हो कैसे कैसे सकता है, ठीक है। तो पोटेंशियल ड्रॉप आपका पहला किरचॉफ्स लॉ क्या है कि जंक्शन की तरफ आने वाले जो करंट है, ठीक है, किरचॉफ्स का जंक्शन रूल, किरचॉफ्स का जो करंट रूल है वो भी हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। मतलब करंट जो है, समेशन ऑफ करंट्स एट जंक्शन इज जीरो, ठीक है, जंक्शन के ऊपर जीरो है। फिर उसके बाद में चूजिंग अ लूप, तो जब हम लूप चूज करते हैं, ठीक है, तो लूप चूज करने के बाद लूप भी क्लोज लूप होना चाहिए। लूप चूज करते वक्त कभी भी क्लोज लूप चुनना है, क्लोज लूप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये देखो किरचॉफ्स लॉ के अनुसार क्या करना है आपको, करंट रूल भी फॉलो करना है, उसके बाद में क्लोज लूप जो है वो भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर आगे वाला देखते हैं पॉइंट और डायरेक्शन ऑफ लूप और आपका पाथ, पाथ मतलब आपका जो लूप का आप डायरेक्शन कंसिडर करते हो, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पाथ। तो ये यहाँ पे हम पाथ लिख लेते हैं, ठीक है। पाथ का कैसे कंसिडर करेंगे हम, आप क्लॉकवाइज कंसिडर कर सकते हो और एंटी क्लॉकवाइज भी कंसिडर कर सकते हो। अभी आपकी बुक में जो डायग्राम दिया है दोस्तों, आपकी बुक में जो डायग्राम दिया है, हमने जो पिछले स्लाइड में डायग्राम देखा था वो कौन सा था, उसके अंदर दो लूप थे। अभी मैंने सिंपल सा जो ड्रॉ किया था, ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे सिंपली बैटरी कनेक्ट कर दूं, उसके बाद में यहाँ पे एक और रजिस्टर लगा दूं, तो ये एक ही लूप हो गया, ठीक है। ये क्लॉकवाइज करो आप कंसिडर या फिर एंटी क्लॉकवाइज करो इसका लूप कंसिडर, ठीक है, ये सिंगल लूप है, सिंगल क्लोज लूप। लेकिन अगर ये ऐसे एक साथ कनेक्ट कर दिया कि दो तीन रजिस्टर्स है, यहाँ पर भी रजिस्टर है, फिर उसके बाद में यहाँ पे बैटरी और यहाँ पर भी बैटरी लगा दी है, यहाँ पे एक रजिस्टर, यहाँ पे कैपेसिटर हो सकता है या फिर कुछ भी वैल्यू आपको दी जा सकती है, ठीक है। तो जब ऐसे टाइप का लूप आपको दिया जाएगा तो ये क्या हुआ, दो लूप साथ में जुड़े हुए, ये देखो ये पहला लूप है और ये दूसरा लूप है, दोनों क्लोज लूप है और दोनों को अपनी अपनी बैटरी दी हुई है, ठीक है। तो ये दोनों कंसिडर करना है आपको लूप, तब आप क्या करेंगे, क्लॉकवाइज करेंगे या एंटी क्लॉकवाइज इसको कंसिडर करेंगे लूप का डायरेक्शन। यहाँ पे अगर क्लॉकवाइज
देखिए तो यहाँ पे भी एंटी क्लॉकवाइज कंसिडर करना है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप चाहें तो इसका एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हैं और इसका क्लॉकवाइज ले सकते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन भी आप ले सकते हैं या फिर सिमिलर डायरेक्शन भी आप ले सकते हो। मतलब दोनों क्लॉकवाइज चाहिए तो दोनों क्लॉकवाइज लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज चाहिए तो एंटी क्लॉकवाइज लीजिए, डिपेंड करता है आप पर। ठीक है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप पाथ कैसे डिसाइड करते हो। अभी हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारा पोटेंशियल गेन हो रहा है या ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, अगले इसमें देखते हैं कि कैसे डिसाइड करेंगे कि पोटेंशियल गेन हो रहा है या ड्रॉप हो रहा है। ओके, हम कैसे कंसिडर करेंगे अभी कि गेन हो रहा है या ड्रॉप हो रहा है, उसको देखने के लिए क्या करेंगे हम कि हायर पोटेंशियल से हम जाते हैं लोअर की तरफ। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा आप, हायर, जब हम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाते हैं तो ये क्या होता है कि हम हायर से लोअर की तरफ जाते हैं तो क्या हो रहा है, हमारा ड्रॉप हो रहा है पोटेंशियल। ये देखो यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, मतलब यहाँ से लेकर हम नीचे जा रहे हैं। ठीक है, हायर से लोअर की तरफ जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारा ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, तो ये ड्रॉप होने की वजह से हम क्या कंसिडर करेंगे, इसको निगेटिव कंसिडर करेंगे। जब भी आपका पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो हम इसको निगेटिव कंसिडर करेंगे, जैसे हमने करंट का देखा था उसी तरह से पोटेंशियल ड्रॉप को भी देखेंगे हम कि निगेटिव कंसिडर करना है। अभी पोटेंशियल ड्रॉप मतलब आपको पता ही होगा, डेल्टा वी इज इक्वल टू आई आर, आई मीन्स आपका करंट और आर फॉर योर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस आपका ओहम में दिया जाता है, करंट एम्पियर में। ठीक है, और जब हम ये इसका रिवर्स में जब हम करेंगे कि लोअर से हायर की तरफ हम जब जाते हैं, जब हम लोअर से हायर जा रहे हैं, देखिए यहाँ पे लोअर से हम हायर की तरफ जब जाएंगे तो क्या होगा, हमारे यहाँ पे पोटेंशियल गेन होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल गेन होने की वजह से हम क्या करेंगे, उसको पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। तो ये साइन कन्वेंशन याद रखना बहुत जरूरी है आपके लिए, ये साइन कन्वेंशन आप याद से रट लीजिए, क्योंकि ये आपके न्यूमेरिकल